षड्यंत्र। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष दो चुनाव के उम्मीदवारों के साथ सुश्री कंगना रनौत जी और श्री रवि ठाकुर जी के साथ काजा पहुंचते हैं। पूर्व में सूचना दे दी गई एसटीएम को डीसी को कि कांग्रेस के लोगों की नीयत ठीक नहीं है, गड़बड़ करना चाहते हैं। लिखित सूचना देने के बावजूद कांग्रेस के लोगों को वहां पर सभा करने की इजाजत दी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इजाजत दिया गया स्थान था, उसके बिल्कुल एडज्वाइनिंग। और मैं आरोप लगा रहा हूं जिलाधीश महोदय, एडीसी और एसडीएम, इन अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उस स्थान की परमिशन दी जहां पर नेता प्रतिपक्ष जनसभा करने जा रहे थे, और परिणाम भी उसी प्रकार का हुआ। सोची समझी रणनीति के तहत जनसभा खत्म होते ही कांग्रेस के लोग जनसभा की तरफ बढ़े, काले झंडे लेकर के सड़क पर बैठ गए, जिस सड़क से नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी को, सुश्री कंगना जी को, श्री रवि ठाकुर जी को जाना था। और इसमें परमिशन देते समय प्रशासन ने, सरकार ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि वहां पर इनकी कांग्रेस का कौन सा नेता आ रहा है। कोई नेता कांग्रेस का वहां पर नहीं आया, और केवल योजना पूर्वक षड्यंत्र के तहत नेता प्रतिपक्ष की गाड़ियों के ऊपर हमला किया। कंगना रनौत के ऊपर हमला किया गया, रवि ठाकुर पर हमला किया गया। रोहन कपूर नाम का एक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता इस बुरी तरह से मारा कि उसकी टांग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। और कैसे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे कार्यकर्ता थे जिन्होंने चारों तरफ से घेर करके जयराम जी को, कंगना जी को, रवि ठाकुर जी को और हमारे उत्तराखंड के एक माननीय मंत्री हैं उनको बचाया।